बाइक से आ रही थी फुफकार की आवाज, जब खोल कर देखा तो रह गए हैरान। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मुंबई के पुणे में प्रोफेसर के साथ कुछ अजीब हादसा हो गया, जिसके बाद वो अपनी बाइक को छूने से भी डरेंगे। प्रोफेसर हर रोज की तरह अपनी बाइक पर खेत से काम निपटा कर आ रहे थे, तभी उन्हें बाइक के हैंडल से कुछ ऐसी आवाज आई जिससे वो सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर ये है क्या। ये फुफकार की आवाज थी और जब हैंडल में सही से देखा तो उन्हें एक सांप दिखा। अब वो बिल्कुल हैरान रह गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सांप बार बार फुफकार रहा था लेकिन हैंडल में फंसे होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। प्रोफेसर ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह बाइक को गैराज तक पहुंचाया। इस प्रोफेसर ने काफी हिम्मत जुटाई, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताएं। गैरेज में भी मैकेनिक गाड़ी खोलने से डर रहा था। फिर एक सपेरे को बुलाया गया जिसके बाद सांप को उसमें से बाहर निकाला गया और जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। प्रोफेसर भोंग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में काफी ध्यान देना होगा और किसानों को इसके लिए खास करके सावधान रहना होगा कि कहीं सांप उनकी बाइक में तो नहीं फंसे। बारिश में अक्सर ऐसा होता ही रहता है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस प्रोफेसर की हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आने वाली मुसीबत के लिए सावधान हो जाए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।